السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير كائن نديك نهي كمخلوق ابتداء الله تعالى كي फिर अल्लाह ताला उसका अदा करेगा और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है कह दीजिए कि ज़मीन में सैर करो घूमो फिरो और फिर देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे तख्लीक़ और मखलूक की इब्तिदा की फिर अल्लाह ताला दूसरी मरतब तो इन्हें पैदा करेगा और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादर है नाजरीन ने कराम अल्लाह के फ़द और उसकी तौफीक से हम आपकी खिदमत में सूर्य आलन कबूत की आयत नंबर उन्नीस और बीस के साथ हाज़िर हैं इससे पहले के दरूस में इससे पहले की आयतों की तफसीर बयान की जा चुकी है अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र करने के बाद चंद आयतों में अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी तख्लीक़ का जिक्र किया तौहीद की दावत दी और फिर इब्राहिम का जिक्र चंद आयतों के बाद फिर आएगा तो फरमाए कि हर चीज़ की इब्तदा अल्लाह ने की है यानी अल्लाह सबसे पहले है हमेशा से है हमेशा हमेशा रहेगा लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह से पहले हो या आसमान और ज़मीन अल्लाह ने पैदा किया वल अर्थ, ऐसी तखलीक जो इससे पहले नहीं थी कोई भी तखलीक अल्लाह से पहले नहीं थी सबका खालिक अल्लाह है। और यही नहीं कि सिर्फ़ पैदा किया पैदा करने के बाद उन्हें फ़ना भी करता है और फिर दोबारा उन्हें पैदा करता है और ये उसके लिए बहुत आसान है यानी पूरी दुनिया अल्लाह की मखलूक़ पूरी दुनिया अल्लाह के हुक्म के ताबे, और अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह ही इन्हें मौत देता है और इन्हें उठाता है इन मसला ईसा इंदल् कम आदम खल कह मन तिन तुम्माक़न फ़ैकुन अल्लाह ने मिसाल दी कि जिस तरह आदम को अल्लाह ने पैदा किया बगैर माँ और बाप के उसी तरह ईसा सलाम को पैदा किया बगैर बाप के पैदा किया का कहा हो जा वो चीज़ वजूद में आ गई तो अल्लाह के पैदा करने का मामला यही है के इन नमा अम रहू इध अरा दिन अक़ूलहू कन फ़ैक और बंदों से कहा कि तुम एक जगह बैठे मत रहो अल्लाह की ज़मीन में जहाँ जाओगे दुनिया के जिस मुल्क में जिस शहर में जिस इलाके में जाओगे अलग अंदाज की मखलूक़ अलग अंदाज की ज़मीन पेड़ पौधे नदियाँ तालाब पहाड़ तो इनसे तुम अल्लाह की तख्लीक़ और उसकी कुदरत के बारे में समझोगे कि वो ज़ात जिसने पूरी दुनिया को अलग अलग रंगों में अलग अलग ढंगों में ज़बानों में ढाला है पैदा किया वो कितनी बुलंद और बरतर होगी तो तख्लीक़ ये अल्लाह का खासा है और वही खालिक और मालिक है कोई दूसरा किसी चीज़ को पैदा करने परदिर नहीं है औलाद हो या और कोई नेमत हो वो अल्लाह के मोहताज है पैदाइश का हक अल्लाह के हाथ में है अल्लाह के कब्ज़े में है और अल्लाह की गिरफ्त में है किसी के बस की बात नहीं कि वो औलाद दे सके या शफा दे सके या और ऐसी कोई चीज़ जो किसी के जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है वो दे सके अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है लेकिन अल्लाह की कुदरत और उसका क़ानून है इसीलिए बाज ने लिखा है कि शैतान अपने लश्करों को जमा करता है और उससे शैतान के जो दूसरे शागिर्द हैं साथी हैं वो कहते हैं कि अपने बड़े शैतान से कि जब कोई आलिम मरता है तो आप खुश होते हैं और कोई आबिद और इबादत गुजार मरता है तो आप उतना खुश नहीं होते आलिम की मौत पर इतना खुश क्यों होते हैं तो शैतान जवाब देता है कि बात असल ये है कि जब कोई आबिद इबादत गुज़ार मरता है तो सिर्फ़ एक ही आदमी मरता है इबादत गुजार मर गया लेकिन जब कोई आलिम मरता है तो ऐसे सूरत में पूरी दुनिया मर जाती है यानी आलिम की इसी कहा जाता है ना कि मौतुल आलम मौतुल आलिम। आलम की मौत आलम की मौत यानी दुनिया की मौत होती है इसलिए कि दुनिया को वो रास्ता दिखाता है दुनिया की रहनुमाई करता है रोशनी का रास्ता बताता है हिदायत का रास्ता बताता है गुमराही से डराता है तो आलिम की मौत दुनिया की मौत करार दी गई इसीलिए शैतान आलिम की मौत से ज़्यादा खुश होता है कि तनहा वो एक मौत नहीं है उसकी मौत से बहुत बड़ा जो है खसारा दुनिया का हो रहा है और शैतान खुश होगा दुनिया के खसारे से और आबिद की मौत तनहा उसकी मौत है फिर शैतान ने इतना जवाब देने के बाद अपने साथियों से कहा ऐसा है तो चलो हम इम्तहान लेते हैं कि आलिम और आबिद की मौत में इतना फ़र्क क्यों है और अपने लश्कर के साथ एक आबिद के पास गए जो इबादत गुजार था उसके पास गए उससे सवाल किया कि ये बताओ अब बहुत बड़े इबादत गुजार हैं अल्लाह वाले हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर हैं कि अपने ही जैसा एक और अल्लाह पैदा कर ले यानी अल्लाह अपने ही शक्ल का और अपने ही जैसा एक और मबूत पैदा कर ले तो आबिद ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है तो शैतान के साथियों ने पूछा कि दलील क्या है तो कहा कि इन अल्लाह आलाकल शैन कदीर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है यह जवाब देकर उस आबिद ने कुफ्र किया है इलाकल शीन कदीर हर जगह के लिए नहीं है गोया अल्लाह एक और अल्लाह पैदा कर ले तो उसका शरीक हो गया हमसर हो गया जबकि यह चीज़ ऊसूल और अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है कुल कुल्ल अल्लाद लमद वलम वलमलहु कुफुवन अहद तो एक कुफ़्रिया चीज़ उसने कह दी इसलिए कि वो वहम नहीं था आबिद था उसके पास इल्म नहीं था आबिद से हटने के बाद जब आलिम के पास आए कि ज़रा इससे कुछ पूछें से सवाल किया ये बताओ कि आसमान और ज़मीन इतनी बड़ी चीज़ है इतनी बड़ी मखलूक़ है क्या अल्लाह ताला इसे एक जगह एक मुट्ठी में इकट्ठा कर सकता है आलिम ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकता है कहा दलील कहा इनम अमरू इधारा दैय अक़ूलहन फ़ैकन अल्लाह का मामला जब कुछ करना चाहता है कहता है हो जा तो हो जाती है पहले ने एक आयत से दरील ली आबिद ने और गुमराह हो गया कुफ्र किया आलिम ने जो बात बताई वो वाकया के ख़िलाफ़ है यानी इतनी बड़ी दुनिया इतना बड़ा आसमान ज़मीन कैसे एक मुठ्ठी में एक बैजे में हो जाए लेकिन उसके बावजूद इसने जवाब जो दिया इल्म की बुनियाद पर क्योंकि अल्लाह रबुलमीन की तख्लीक का यही मामला है और फिर क़्यामत के दिन सारे मुल्कों को अपनी मुट्ठी में ले लेगा सारे लोगों को मुट्ठी में ले लेगा ले पूरी ज़मीन को समेट लेगा पूरी तफसील आती है तो आलिम और आबिद में यही फ़र्क होता है इस वाक़े को शेख मोहम्मद बिन सालसमिन अपन इस आयत की तफसीर करते हुए बयान करते हैं कि आलिम और आबद में ये फ़र्क होता है इल्म की बुनियाद पर जब कोई गुफ्तगु होती है तो उसमें वजन होता है उसमें दावत होती है रिसालत का पैगाम होता है और इल्म नहीं है भले से आबिद जाहिद है इल्म नहीं है तो गुमराही का ख़तरा रहता है तो बड़ी सराहत के साथ इस आयत में जो पैगाम दिया गया वो ये कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है लेकिन मखलूक को जिस तरह उसने पैदा किया उसी तरह फना करेगा फिर मौत देगा यह है दूसरा जो मसला एहतियात से साबित होता है चीज़ों का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है अल्लाह के हाथ में है वो जब जिसे चाहे पैदा करे। तीसरा जो मसला साबित होता है कि इल्म वो है जो क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में हो सलफ़ साल के पैगाम की रोशनी में हो अक़ायद की जो सरीह तालीमात दी गई उनकी रोशनी में हो। होमूमी तौर से हर जगह हर आयत नहीं फिट की जाती है तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म की गहराई अता फ़रमाए और अमल की तोफीक़ बख्शे और इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तोफ़ी बख्शे आमेन व सल्ला नबीर महम्मद वाला वसबैन नाजिर ने क़िराम आपकी नवाजिश और मोहब्बत का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाअल्लाह इसके बाद इक्कीस और बाईस नंबर आयत की तफसर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जजाकमल खैर असलकूम वरम्त ला वरक़ दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें